गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल युग में डिजिटल शिक्षा की दिशा व दशा बदलने वाले इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक वन रेनबो क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी पेज लेसन अ रूम 10x8 पेज 10 स्टार्टिंग से। Suddenly it occurred to Mrs. Malik that maybe the figure painted by the architect was that of her daughter-in-law. Suddenly Mrs. Malik के दिमाग में ये बात आई कि जो आर्किटेक्ट ने जो फिगर पेंट किया था वो उनकी बहू का था। How could that be? लेकिन वो तब तो थी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। She was nowhere on the scene when the plan of the house was prepared. जब घर का प्लान बन रहा था वो तो उस स्टेज पर थी ही नहीं। But then she was wearing a maroon colored साड़ी that the figure in the sketch had. लेकिन exactly आज Mrs. Malik की बहू ने वही maroon कलर की साड़ी पहन रखी है जैसा कि स्केच वाली महिला ने पहन रखी थी। Yes, it was maroon color. Mrs. Malik never liked maroon color. ये maroon color ही था जो Mrs. Malik को maroon color पसंद नहीं था। It was too loud for her taste. उसे ये बहुत भारी लगता था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर। ये केवल लड़कियाँ ही हैं आजकल की, जैसे कि उनकी बहू वही मरून कलर की साड़ियाँ पसंद करती हैं। शी कैन वियर मरून शोरली सैड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ। वो भी मरून पहन सकती थी वास्तव में, मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। काश ये वैसा काम भी कर सकती कठिन जैसा कि मैं कर सकती थी। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ हाउस लेड बिफोर माई आईज। इस घर की एक एक ईंट मेरे सामने रखी गई है इन सन एंड रेन, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन। मैं साइड पर खड़ी रही जब कंस्ट्रक्शन की, हमेशा फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। सुबह जल्दी सुबह से देर रात तक। मैनी टाइम आई हेल्प्ड द मैसन विद मोटर एंड ब्रिक्स। बहुत सी बार मैंने कारीगर को मोटर और ब्रिक्स अपने हाथ से दिए। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल। और कई बार मैंने प्लास्टर वाली दीवारों पे तरी भी लगाई है पाइप से। देन दे रीच्ड द हाउस, अब वो घर पहुँच गए। ही सन ड्रोव कार स्ट्रेट टू द पोर्च एंड द डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट। बेटे ने गाड़ी आंगन में खड़ी करी और उनकी बहू फटाफट उसमें से बाहर निकली कूद कर। देयर शी स्टूड रिसाइकलिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा। और वो उस बरामदे के मार्बल पिलर के सहारे जाकर खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे आर्किटेक्ट हैड पेंटेड। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसा कि आर्किटेक्ट ने स्केच में फिगर को पेंट किया था। मिसेज मलिक फेल्ट अ रैच इन हर हार्ट। मिसेज मलिक को ये बात दिल में बहुत बुरी लगी। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज आर्किटेक्ट उसकी मजाक बना रहा हो। ये स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, वरांदे में खड़ी हुई क्लोज टू पिलर के सहारे, ट्राइंग टू कवर हर एलोब्रेट हेडो विद मरून कलर्ड साड़ी, और अपने बालों को वो हिला हिला के संवार रही है। हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट्स। और उसकी डॉटर इन लॉ सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रही है मालकिन की तरह। अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, कि जो फॉलोइंग टैक्सी आ रही है उसमें से लगेज को निकाल के यहाँ रखना है। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम टैक्सी, सभी लगेज टैक्सी में से निकाल लिए गए। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर चला गया उसका पेमेंट होने के बाद। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार। मिसेज मलिक अभी भी कार की पीछे की सीट पे ही बैठी हुई थी। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन,
और वो अपनी भावनाओं में डूबी हुई थी। देन हर सर एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, उनकी बहू और बेटा घर के अंदर प्रवेश कर गए। दे पुट ऑन द लाइट्स ऑन वन बाई वन, उन्होंने एक एक करके सभी लाइटें जला दी। एवरी रूम वॉज लेट अप, सभी कमरे प्रकाशवान हो गए थे। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, स्टिल सिटिंग इन द बैक ऑफ द सीट कार। मिसेज मलिक खुली आंखों से सब कुछ देख रही थी। इन द एक्साइटमेंट नो बडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन। एक्साइटमेंट में घर के अंदर नए घर में जाने के लिए सब भूल ही गए कि मिसेज मलिक के दे दरवाज़ा खोलकर उन्हें भी अंदर ले जाया जाए। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उनके बेटे को माँ की याद आई। ही रेन टू द पोर्च, वो आंगन में गया एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, कार का दरवाज़ा खोला। और ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन अ विस्पर, माँ ने धीरे से कहा कि जब मैं शाम को कोई यात्रा करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, उसकी बेटी बहू भी बाहर आई। एवरी वन वॉज लाफिंग, सब हंस रहे थे। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मिसेज मलिक मार्बल पिलर के सहारे खड़ी थी ऑन द वरांडा अगेन। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेड विद हर मरून कलर्ड साड़ी, और वो अपने बालों को सवार रही थी मरून कलर साड़ी के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एपेटाइट, मिसेज मलिक ने कहा कि उनका पेट सही नहीं है, आज वो खाना नहीं खाएंगी। सेड मिसेज मलिक, आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूँगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, सर्वेंट्स ने डिनर टेबल पे लगा दिया। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ, बहू ने कहा कि आप फिर अपने कमरे में जाके विश्राम कीजिए। डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम, बहू ने इशारा किया वो रूम जो मिसेज मलिक ने अपनी सास के लिए बनवाया था, 10x8 का स्टोर रूम जिसमें उन्हें रहना था। अब मिसेज मलिक सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, उनके बेटा सारा देके हाथ पकड़ के माँ को 10x8 रूम में ले गया। होल्डिंग हर हैंड शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, उनको बहुत ड्राउजी सा लग रहा था मिसेज मलिक को। मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने जब अपना सिर उठाया, बट वाट वॉज रॉन्ग विद इट, लेकिन अब ये बात गलत भी कैसे है। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उनके पति अब जा चुके हैं। शी वुड फॉलो हिम, और जल्दी वो भी मर जाएंगी, वो भी उन्हीं के पास चली जाएंगी। वन डे शी मस्ट डू इट, आई थॉट इट कुड बी बाय मदर इन लॉस रूम, मैंने तो ये सोचा था कि ये कमरा छोटा वाला मैं अपनी सास के लिए बनवा रही हूँ। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इन टू अ स्टोर, और उनके बाद ये स्टोर रूम का काम करेगा। दीज वर्ड्स डी कोड इन मिसेज मलिक्स ईयर, ये शब्द थे मिसेज मलिक के जो उनके कानों में गूंज रहे थे। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट, और अब वो अपनी डॉटर इन लॉ का कमेंट सुन रही थी। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, ये पूरा घर बहुत अच्छा वेल प्लान्ड बनाया हुआ है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, लेकिन मुझे एक स्टोर रूम भी बड़ा चाहिए था। मिसेज मलिक हर्ड इट एंड शी फेल्ट एज इफ शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इन टू बॉटमलेस वेल। जब मिसेज मलिक ने ये शब्द सुने कि उसे कि स्टोर रूम उनकी बहू को भी बड़ा चाहिए था, और केवल उन्हीं की सोच थी कि उनकी सास के लिए उन्होंने छोटा कमरा बनाया जिसे वो स्टोर रूम के रूप में यूज़ करना चाहती थी, इस तरह वो गहन सोच में डूबती 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 चले गई। इसी के साथ ये लेसन यहीं तक। बाय KS दुग्गल। YouTube चैनल को पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। YouTube चैनल पर वंदना रावल। इसी के साथ ये लेसन यहीं तक। नेक्स्ट